नमस्कार दोस्तों, पांचवें एसएन दुबे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार टीमें अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और इसी के साथ साथ अब एसएन दुबे क्रिकेट टूर्नामेंट में दिल्ली से और एनसीआर से बाहर की टीमें जैसे कि उत्तराखंड से, लखनऊ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, अलग अलग राज्यों की टीमें इस टूर्नामेंट में खेलने आ रही हैं। सभी बच्चों को बहुत टफ कॉम्पिटिशन मिल रहा है, साथ ही साथ इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो पांचवें एसएन दुबे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में मदनलाल एकेडमी उत्तराखंड ने देवास क्रिकेट क्लब मध्य प्रदेश को 248 रनों से रोक दिया। उत्तराखंड के साहिल और अभिनव शर्मा ने शतकीय पारी खेलकर टीम को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले मुकाबले में मदनलाल क्रिकेट एकेडमी ने बिना विकेट खोए 277 रन बनाए। साहिल ने 74 गेंदों में नाबाद 152 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। अभिनव शर्मा ने 106 रनों की उमदा पारी खेली। देवास क्रिकेट एकेडमी के सभी गेंदबाजों ने उत्तराखंड के बल्लेबाजों ने जमकर धुनाई की। कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाया। मदनलाल एकेडमी की ओर से राघव शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं युवराज सिंह ने 6 रन देकर 3 विकेट झटके। मदनलाल क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 248 रनों से एक तरफा जीत हासिल की। साहिल मैन ऑफ द मैच बने। कहाँ से आई है आपकी टीम और कैसा परफॉर्म कर रही है? जी, हमारी टीम एमपी से आई है, इंदौर से। देवा स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब नाम है हमारी टीम का और आज हमारा टीम का दूसरा मैच है। कल हम लोगों के बच्चे पहला मैच खेले थे जिसमें हार गए थे। बच्चे काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन करा था बच्चों ने। सामने वाली टीम लखनऊ क्रिकेट क्लब से हारी थी टीम हमारी, जिसमें 26 रन पे हमारी टीम ऑल आउट हो चुकी थी। उससे हम लोग 110 रनों से शिकस्त मिलती है हमारी टीम को। अच्छा सर, कैसा बच्चों को फ़र्क दिख रहा है कि स्टेडियम में खेलने को मिल रहा है एक ग्राउंड के से निकल के बच्चे बाहर आ रहे हैं? जो एशियन दुबे क्रिकेट टूर्नामेंट है ये, लेकिन 5 सालों से हो रहा है, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट होता है और यहाँ जो बच्चे आए हैं टीम के साथ में, काफ़ी अच्छा सीखने को, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों को, जो आगे चल के बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा सर, इंदौर के क्रिकेट में जहाँ आप लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, सिखाते हैं, वहाँ से और यहाँ के क्रिकेट में कितना आप फ़र्क देख पा रहे हैं? जी, ऐसा है, क्रिकेट में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, पर जो बड़े शहरों में जाके खेलना बच्चों के लिए, वो बड़े स्टेडियम में खेलना, अच्छी ग्राउंडों में खेलना, काफ़ी अच्छा अनुभव मिलता है बच्चों को। अच्छा, दिल्ली की इसमें इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं, तो उन टीमों से कॉम्पीट करने में कैसा लग रहा है कि क्वालिफाई कर पाएंगे आप लोग? जी, ऐसा है कि हमारी टीम का दूसरा मैच है आज, तो आज हमारी टीम कुछ खास कर नहीं पाई। आज बॉलिंग हमारी फर्स्ट थी, उसमें बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा रन दे दिए हैं। बच्चे हैं, अब इसी चीज़ से सीखेंगे। बिल्कुल, एज ए कोच क्या मैसेज देना चाहेंगे इन बच्चों को, किस तरीके से आगे नेक्स्ट परफॉर्मेंस इनकी बेस्ट हो सके और बढ़िया कर सके? मैं यही बोलना चाहूँगा कि बच्चे अधिक से अधिक दूसरी टीमों से सीखें, अच्छे जो खिलाड़ी हैं उनसे सीखें और आगे चल के जो अगला टूर्नामेंट हो तो अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दें अपना। टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आके यहाँ? टूर्नामेंट तो काफ़ी उच्च क्वालिटी का टूर्नामेंट है ये, जैसे एशियन दुबे मेमोरियल टूर्नामेंट जो होता है, काफ़ी 5 सालों से हो रहा है। जो फैसिलिटी और जो ग्राउंड और जो अंपायरिंग जो होती है, बहुत काफ़ी अच्छे स्तर पे। अच्छा, आप यहाँ इतनी दूर से आए हैं, तो आपके रहने की खाने की व्यवस्था कैसी की गई है ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से? उसके लिए तो मैं यही बहुत थैंक्सफुल बोलूँगा एशियन दुबे मेमोरियल टूर्नामेंट वाले सारे मेम्बर्स को कि न्यू ईयर के समय भी हमारे यहाँ पे अच्छी व्यवस्था कराई है इन्होंने और अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है ये एशियन दुबे की जो याद में कराया जा रहा है नोएडा के 21 स्टेडियम में, सेक्टर 21 के स्टेडियम में। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, आउटफील्ड बहुत अच्छी है और यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा टूर्नामेंट अगर ये युवाओं को, छोटे बच्चों को अगर इस तरह से आगे मिलता रहा तो अपने देश के लिए बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और आगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म इनको मिल जाएगा। अच्छा सर, कैसे बच्चों में डिफरेंस आपको लग रहा है कि एक ग्राउंड पे खेलना, स्टेडियम पे खेलना, कितना डिफरेंस दोनों में देखने को मिल रहा है बच्चों? देखिए, एक कंपटीशन में जब बच्चे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक प्रेशर होता है, लेकिन अच्छी अगर उनको सुविधा मुहैया कराएंगे, उनको अच्छे ग्राउंड्स देंगे, तो जो इंजरीज वगैरह है वो कम होंगी और बच्चों को एक अच्छा लेवल जो आगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाता है, उनको एक माहौल वैसा मिलेगा, इसीलिए वो प्लेयर मैच्योर होंगे।
जैसे फॉरनर्स विदेशी क्रिकेटरों के साथ ऐसा होता है कि उनको अच्छे ग्राउंड्स मिलते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ मैंने देख करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि श्री राजेश दुबे जी को मैं धन्यवाद दूंगा, राज यादव जी को, जो इन्होंने इतना अच्छे इवेंट में मुझे बुलाया, लखनऊ की टीम को शामिल किया, और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही अगर ये कराते रहेंगे तो हमारा देश, हमारे बच्चे, हमारे जो शहर के, ये आगे ही नाम रोशन करते रहेंगे। अच्छा, जो बच्चे हैं लखनऊ से आए हैं, कैसा भी उनमें मोटिवेशन है, परफॉर्मेंस कैसी जा रही है? दूसरी चीज़ की जो एक बच्चे को अपने स्टेट से, अपने जोन से बाहर निकल के खेलने को जब मिलता है तो कैसा वो उसमें चेंज दिखता है? देखिए, यही परफॉर्मेंस की बात, तो अभी हमारा एक ही मैच हुआ है देवास मध्य प्रदेश की टीम से, और टीम ने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है, 108 रन से जीत दर्ज की है। बच्चों में एक उत्साह है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा बिग टूर्नामेंट है तो थोड़ा सा बच्चों में एक कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, लेकिन कल का मैच जीतने के बाद मनोबल बढ़ गया है, और ये उनको बहुत ही प्रेरित करेगा कि आज के मैच और आगे के मैचों में अच्छा परफॉर्म करके अपने शहर जो लखनऊ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, उसका एक नाम और शान और उसको बढ़ाने के लिए एक मौका है उनके पास, और बहुत मेहनत से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि इसमें अच्छा टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस करें। अच्छा लग रहा है, बहुत माहौल अच्छा है, बच्चों को जितनी ज़्यादा क्रिकेट मिले उतनी ज़्यादा अच्छी है, और जितने ज़्यादा मैचेज मिलेंगे उतने ज़्यादा अच्छे हैं। ये गवर्नमेंट तो हमारा ही बनाया हुआ है, अंदर जितना भी है क्रिकेट भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है, मैंने देखा है अभी तो। ये टीम जो है, ये हमारी रुद्रपुर की जो अकेडमी है, क्रिकेट अकेडमी सुभाष अरोड़ा जी की जो स्कूल है, एमटी स्कूल, उन्होंने ये टीम बनाई हुई है। ये बच्चे हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पे सारे क्वालिफाइड कोचेस रखे हुए हैं उन्होंने, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आते ही हैं। हर रिजल्ट आने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, बट हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अच्छा सर, अंडर 14 कैटेगरी को स्टेडियम में खिलाना तो कितना इस चीज़ को मोटिवेट करता है कि क्रिकेट बहुत मोटिवेट माहौल मैच का बने तो मोटिवेट तो बहुत करता है। ऐसे स्टेडियम जो वो बहुत ही सुंदर है और वहाँ पे बच्चे खेलेंगे, उनको फीलिंग आती है कि हाँ ये प्रॉपर ग्राउंड में हम खेल रहे हैं, विकेट अच्छा है, क्योंकि आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे तो बच्चे अच्छे ही बनेंगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो बच्चे बन ही नहीं सकते। आप जैसे लोग उनको प्रमोट करें और अपने आप ही खेलते चले जाएंगे। रन बनाना बड़ा जरूरी है, परफॉर्मेंस देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो क्रिकेट है सिर्फ परफॉर्मेंस बेस ही है, और कुछ नहीं। नाम साहिल। साहिल, आज आपने 150 रन मारे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कैसे आज आप एकदम, मतलब कैसी पिच मिली, कैसा सामने की टीम की बॉलिंग कैसी? बढ़िया विकेट थी और बॉलर हल्के थे मेरे। अच्छा, तो आज जब आपको खुल के खेलने को मौका मिला स्टेडियम में, आप खेल रहे हैं तो कैसा फर्क दिखा? बहुत बढ़िया लगा मेरे को। जब आपको मैन ऑफ द मैच मिला है, ये पहला मैन ऑफ द मैच है? नहीं, पहले भी दूसरा है। इस टूर्नामेंट में खेल के कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। टीम जिताई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और सारे बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। जब आपकी जो टीम है बहुत मोटिवेट है इस टाइम, आज आपने 250 रन किए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और बच्चों को कॉन्फिडेंस भी है, रन बने हैं और विकेट भी ले रहे हैं बच्चे से। टूर्नामेंट में आगे क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे खेलना है, क्या आगे प्लानिंग है? ये टूर्नामेंट जीतना है और सबको तगड़े हो खेलेंगे। अच्छा, बहुत कंपटीशन कैसा मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की काफ़ी बड़ी बड़ी टीम इसमें है। टीमें अच्छी हैं, कंपटीशन भी अच्छा मिल रहा है, आगे जाकर अच्छा मिला। क्वालिफाई कैसे करने की तैयारी है? अभी तो हम दो मैच हुए, दोनों जीते हैं, अब तीसरा मैच है वो जीतेंगे, फिर सेमीफाइनल। अच्छा, फिर सेमीफाइनल्स खेलेंगे। तो आगे आपके एज कोचेस की क्या आपको सजेशंस आ रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रही है, कैसा करो कैसे? कि 25 ओवर पूरा खेलेंगे तो अच्छे रन बनेंगे और बॉलिंग अटैक हमारा अच्छा है तो अच्छा।